हाय फ्रेंड्स, मैं शैली और मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ साउथ इंडियन मेदू वड़ा की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत फेमस भी हैं। सभी को मेदू वड़ा बहुत पसंद होते हैं। इसे नारियल की चटनी या सांभर के साथ सर्व किया जाता है। कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आप परफेक्ट मेदू वड़ा बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये आज की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मेदू वड़ा बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप उड़द की दाल, जिसे मैंने साफ पानी से धोकर 3 घंटे के लिए पानी में भिगो दिया और फिर इसका अतिरिक्त पानी निकाल दिया। तो ये भीगी हुई उड़द की दाल है। ये 2 बड़े चम्मच हम बारीक कटा प्याज लेंगे, 1 से 2 बारीक कटी हरी मिर्च या हरी मिर्च का पेस्ट, 1 बड़ा चम्मच कद्दूकस किया अदरक, 8 से 10 बारीक कटे करी पत्ते, ये 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हरा धनिया लेंगे, 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा सूखा नारियल, ये ऑप्शनल है, ये 1 चुटकी हींग, 2 बड़े चम्मच हम चावल का आटा लेंगे, इससे वड़े बहुत ही क्रिस्पी और सॉफ्ट बनेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, और वड़े तलने के लिए हम तेल लेंगे। वड़े बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल को पीसकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक ग्राइंडिंग जार लें और इसमें ये दाल डाल दें। ध्यान रहे कि हमें उड़द दाल को बिना पानी के ही पीसना है, क्योंकि हमने इसका एक गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करना है। यदि हमने इसके अंदर पानी डाल दिया तो वड़े अच्छे से नहीं बन पाएंगे और वड़ों का शेप भी अच्छा नहीं बनेगा। अगर आपको ज़रूरत लगे तो सिर्फ 1-2 छोटे चम्मच पानी का ही इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए, मैंने दाल को अच्छे तरीके से पीस लिया है। अब हम इसे एक बाउल में डाल देंगे और दाल को अच्छे से फेंटेंगे। दाल को हमने इसी तरीके से हाथ या चम्मच की मदद से लगभग 5-6 मिनट तक फेंटना है, ताकि ये अच्छे से फ्लफी हो जाए। दाल को आप जितना फेंटेंगे वड़े उतने ही मुलायम बनेंगे। दाल को हमने फेंट कर तैयार कर ली है। इसे चेक करने के लिए कटोरी में पानी लें और थोड़ा सा घोल लेकर इसमें डालें। अगर घोल इस तरह से तैर कर ऊपर आ रहा है तो दाल काफ़ी फ्लफी हो गई है। अब हम दाल में ये बारीक कटा प्याज डालेंगे, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दें, ये अदरक पेस्ट डाल दें, करी पत्ते, हरा धनिया, सूखा नारियल, हींग डाल दें, चावल का आटा डाल दें और ये नमक भी डाल दें। अब इन सबको दाल के साथ अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो गया है। मेदू वड़ा बनाने के लिए घोल एकदम तैयार है। अब हम गैस ऑन करके वड़ों को तलने के लिए तेल गर्म करेंगे। तेल को हमने हाई मीडियम फ्लेम पर गरम करना है। तेल अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम वड़े बनाने के लिए 1 कटोरी में पानी लेंगे और हाथों को अच्छे से गीला करेंगे। अब आपको इस तरह से जितना बड़ा वड़ा बनाना है उस साइज का घोल लेकर आप वड़ा बनाएं और इस तरह से इसे गोल करके बीच में उंगली या अंगूठे से छेद कर दें। अब हम इसे इस तरह से तेल में डालकर फ्राई करेंगे। हम एक एक करके सभी वड़े इसी तरह से बनाकर तेल में डालेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। जैसे ही वड़ा नीचे की ओर से सिक जाए हम इसे पलट देंगे और दूसरी ओर से भी फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं वड़े बहुत ही अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। वड़ों को पलट पलट कर अच्छे गोल्डन ब्राउन होने तक तल लें। वड़े गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इन्हें हम एक नैपकिन पेपर पर निकाल लेंगे। इसी तरह से एक एक करके बाकी वड़े भी बनाकर और तलकर प्लेट में निकाल लें। सारे वड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए, ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बने हैं। बहुत ही अच्छा कलर आया है और देखने में बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वड़ा बनाते वक्त बस थोड़ा सा ध्यान रखें कि शुरू में तेल अच्छा गर्म होना चाहिए और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर दें। हाथों पर पानी लगाकर ही वड़ों को शेप दें और फिर इसे बड़ी सावधानी से तेल में डाल दें। बैटर बनाते वक्त पानी का ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। बैटर एकदम गाढ़ा होना चाहिए और बैटर को अच्छे से 5-6 मिनट तक फेंटिए।
अगर किसी कारण से आपका घोल सही नहीं बना है, वड़े सही शेप में नहीं बन रहे हैं, या दाल में आपने पानी ज़्यादा ऐड कर दिया है जिससे कि घोल पतला हो गया है, तो आप घोल में थोड़ा सा चावल का आटा और डाल दें। इससे आपके वड़े आसानी से बन जाएंगे। ये गर्मा गर्म मेदू वड़ा आप नारियल की चटनी, मूंगफली की चटनी या सांभर के साथ परोसिए और खाइए। आप इन स्वादिष्ट वड़ों को एक बार जरूर ट्राई करके देखें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेदू वड़ा की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Yeah.